हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कौवा एक सामाजिक पक्षी है जो बड़ा ही चतुर बड़ा ही चालाक होता है। यह एक समाज के मनुष्यों के आसपास भी रहता है और जंगलों में भी रहता है। यह प्राय सभी प्रकार की वस्तुएं खा सकता है, इसलिए इसे सर्वाहारी ही बोलते हैं। दोस्तों, कौवे का धार्मिक महत्व बहुत होता है। हमारे हिंदू धर्म में कौवे को बहुत ही धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि कौवा भगवान शनि देव का वाहन है। इसके अतिरिक्त कौवा हमारे पितरों का प्रतीक भी होता है, इसलिए पितृ पक्ष में कौवे को भोजन अवश्य कराया जाता है और कौवे के भोजन करने के पश्चात हम यह समझते हैं कि हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने भोजन कर लिया और उनकी आत्मा को शांति मिल गई। वहीं दोस्तों, कौवा जो कि शनि देव का वाहन है, यह कौवा बड़ा ही चतुर बड़ा ही चंचल होता है और एकाग्रही होता है। यह कर्मठ होता है, यह बार बार अभ्यास करता है और अपने कार्य में सफल होता ही होता है। वहीं दोस्तों, शनि देव जिन्हें ज्योतिष शास्त्र और हमारे भारतीय शास्त्र एवं विधान कहते हैं कि भगवान शनि देव स्वयं ही न्याय के दाता हैं, वे न्याय के कर्ता हैं, वे सदैव ही न्याय करने वाले हैं। वे व्यक्ति के जीवन में सिर्फ न्याय ही करते हैं, इसलिए वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल ही देते हैं और जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे वे अमीर से दरिद्र बनाने में तनिक भी संकोच नहीं करते और तनिक भी समय नहीं लगाते। व्यक्ति कब राजा से रंक बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। बहुत ही कम समय में ऐसा कार्य करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ शनिदेव में ही होती है। इसलिए दोस्तों, लोग शनि देव के नाम से भयभीत तो भी होते हैं, लेकिन शनि तो न्याय के देवता हैं, वे सदैव ही न्याय करते हैं। इसलिए जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन लोगों पर शनि देव प्रसन्न होते हैं और उन लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से ही बहुत अच्छा फल देते हैं। इसलिए कुछ लोग आपको यह कहते हुए सुने होंगे कि उन पर शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन उनके प्रत्येक कार्य बन रहे हैं, उनका प्रत्येक कार्य हो रहा है। इसका अर्थ है कि शनिदेव उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें दे रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव के वाहन सिर्फ कौवा ही नहीं है, अपितु शनिदेव के 9 वाहन होते हैं, परंतु उनमें सबसे प्रमुख कौवा होता है। शनिदेव के 9 वाहन कौन से हैं और वे किस प्रकार के होते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, यह हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन कौवा उनका प्रमुख वाहन होता है और कौवे के ऊपर ही शनिदेव को दर्शाया जाता है। मोस्टली ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव कौवे के ऊपर ही बैठे हैं। कैसे बना कौवा शनिदेव का वाहन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह कथा जिसमें कौवा शनिदेव का वाहन बना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, एक बार जब भगवान सूर्य देव की पत्नी संध्या उनके ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने अपनी एक प्रतिरूप जिसे छाया बोला गया उसे शनिदेव की सेवा में छोड़कर और उनके पास अपने दोनों बच्चे यानी कि यम और यमुना को छोड़कर स्वयं तप करने के लिए चली गई। जब वे तप करके समाप्त करके वापस आई, उस समय छाया को शनिदेव से सूर्यदेव से शनिदेव प्राप्त हो चुके थे और इस बात से संध्या बहुत ही क्रोधित हुई। जब यह बात भगवान सूर्य नारायण को पता चली तो वह भी कुपित हुए और उन्होंने इन दोनों का परित्याग कर दिया। तब छाया अपने पुत्र शनि को लेकर वन में गई और जब सूर्यदेव को यह पता चला तो सूर्यदेव ने उस वन में आग लगवा दी। छाया तो छाया होने के कारण वहां से बाहर निकल आई, एक प्रतिरूप होने के कारण वहां से सकुशल निकल आई, लेकिन शनिदेव उस अग्नि में फंस गए। तब एक कौवे ने शनिदेव की सहायता करी और शनिदेव को उसमें से बाहर निकाला और यह कौवा अपने साथ शनिदेव को काकलोक में लेकर गया। काकलोक में जब शनिदेव को कौवे की माता ने पुत्र कहकर संबोधित किया तो यह शनिदेव को बड़ा ही सुखद प्रतीत हुआ और उस दिन से उन्होंने शनिदेव ने कौवे को अपना वाहन नियुक्त कर लिया। दोस्तों, यह थी वह कथा जिसमें शनिदेव ने कौवे को अपना वाहन बनाया, परंतु शनिदेव के अन्य वाहन कौन से हैं और वह किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि की जो स्थिति होती है उसे देखते हुए शनि के
वाहन 9 प्रकार के होते हैं और इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है, इसलिए अपनी कुंडली को दिखवाते समय उस स्थिति को ज्ञान कर लीजिए, उसकी स्थिति को ज्ञात कर लीजिए और उसी प्रकार से शनिदेव की आप पूजा कीजिए, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके सभी अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से है वे वाहन? नंबर 1, दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शनिदेव स्यार पर आरूढ़ है तो यह अशुभ सूचनाएं देने वाला होता है, यह शुभ नहीं होता है। तब आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ेंगे, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2, अगर शनिदेव हंस पर बैठे हुए हैं तो यह शुभ होता है, यह भाग्योदय करने वाला होता है। ऐसा होने पर आपका भाग्य आपका साथ देने वाला होता है, आप सदैव ही प्रसन्न रहने वाले होंगे। नंबर 3, कौआ। दोस्तों अगर कौआ पर आरुण है शनिदेव आपकी कुंडली में, तो आपको सोच समझकर और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि कौए पर आसीन होने से आपके घर में आपके परिवार में कलेश बढ़ सकते हैं। कौआ ग्रह कलेश भी बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 4, हाथी। दोस्तों अगर भगवान शनिदेव हाथी पर आरूढ़ है तो यह भी अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता, ऐसा समझा जाता है कि हाथी आशा के विपरीत फल देने वाला होता है। नंबर 5 है मोर। दोस्तों अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान शनिदेव मोर पर आरूढ़ है आपकी कुंडली में तो यह शुभ होता है, यह शुभ फल देने वाला होता है और ऐसा कहा जाता है कि अब आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कभी कभी भाग्य साथ नहीं भी देता है तो समझ लीजिए यह भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन मोस्टली समय पे जब आप कोई कार्य कर रहे होंगे और वह कार्य अत्यंत कठिन होगा, आपको उम्मीद नहीं होगी कि वह कार्य हो सकता है, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ देगा जिसके कारण आपका वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। यह होता है प्रभाव मोर पर बैठे हुए शनिदेव का। नंबर 6, गधा। दोस्तों अगर शनिदेव गधे पर सवार हैं आपकी कुंडली में, अगर ज्योतिष आपको यह बताता है कि शनिदेव आपकी कुंडली में गधे पर सवार हैं तो यह अच्छा फल नहीं होता है, यह शुभ फलों में कमी करने वाला होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को उसके कार्य के हिसाब से जितना मिलना चाहिए उसे वह उतना नहीं मिलता है, यानी कि आप मेहनत खूब करेंगे तब आपको थोड़ा सा मिलेगा। ऐसा बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वे खूब मेहनत करते हैं, जितना वह कार्य करते हैं उसके अनुरूप उन्हें फल नहीं मिलता है। यह तभी होता है जब आपकी कुंडली में शनिदेव गधे के ऊपर बैठे हुए हों, यह आपके शुभ फलों में कमी करने वाला होता है। नंबर 7, घोड़ा। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शनिदेव घोड़े पर बैठे हुए हैं तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। दोस्तों घोड़ा शक्ति का परिचायक होता है, तेजी का परिचायक होता है, इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव घोड़े पर विराजमान होते हैं उस व्यक्ति का भाग्य घोड़े की तरह प्रबल और शक्तिशाली होता है। इसके अतिरिक्त वह दूर तक दौड़ता है, यानी कि खूब तेजी से कार्य करता है, उस व्यक्ति का भाग्य उसे खूब उन्नति करवाता है, उसे आकाश की बुलंदियों तक लेकर जाता है, दूर तक लेकर जाता है। दोस्तों अगर शनिदेव आपकी कुंडली में सिंह पर विराजमान है, सिंह पर आरूढ़ है तो यह भी अत्यंत शुभ समझा जाता है। अगर सिंह पर आरूढ़ शनिदेव आपकी कुंडली में है तो आपके लिए शत्रु हंता योग बनाते हैं, यानी कि दोस्तों भगवान शनिदेव अगर आपकी कुंडली में सिंह पर आरूढ़ हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शत्रुओं का नाश हो गया। किस प्रकार से हुआ ये तो शनिदेव ही जानते हैं, आपको ज्ञात हो अथवा ना हो, परंतु जो आपसे मन से शत्रुता रखेगा उस व्यक्ति का नाश संभव ही होगा, क्योंकि भगवान शनिदेव शत्रुहंता बनकर उन सभी शत्रुओं का नाश कर देते हैं। नंबर 9, भैंसा। दोस्तों अगर शनिदेव आपकी कुंडली में भैंसे पर सवार हैं तो आपको आपकी कुंडली के हिसाब से मिलाजुला फल ही मिलेगा, यानी कभी ऊपर आपका भाग्य साथ देगा और कभी आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, तो कभी दुख कभी शुभ, कभी हानि कभी लाभ, इस प्रकार से आपको मिलाजुले प्रभाव मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे वे 9 वाहन जो भगवान शनिदेव के होते हैं, परंतु शनिदेव का मुख्य वाहन कौआ ही होता है, इसलिए शनिदेव को कौए के रूप में ही पूजा जाता है, उन्हीं के ऊपर आरूढ़ दिखाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।